नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी, और इसकी जो है कंप्लीट सीरीज हमारी थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जो जो आपका जो है फर्स्ट पार्ट से लेकर अभी तक मतलब लगभग 30 से 35 लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। जो कंप्लीट इकोनॉमी है आपके 30 से 35 लेक्चर लगभग आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे, और ये जो सीरीज है आपकी कंप्लीट होने वाली है जल्दी, क्योंकि देखिए भाग 23 हम आज पढ़ने वाले, इसके पहले भाग 22 तक हमारे जो है प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो पाएंगे। और ये जो कंप्लीट सीरीज आपको काम आने वाली है, जहां पर भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्रीकल्चर उद्योग से रिलेटेड, हरित क्रांति से रिलेटेड, सारी चीजें इसमें कवर की जा रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी चीजें इसमें आपकी कवर की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम विस्तार से जानेंगे वित्त क्या होता है, वित्त बाजार क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में देखेंगे, फिर पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त क्या होता है, फिस्कल जो पॉलिसी होती है जिसे हम ट्रेजरी पॉलिसी बोलते हैं यानी कि राजकोषीय नीति, इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो फंड्स होते हैं यानी जैसे कि हम देख सकते हैं संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, इसके बाद हम जानेंगे एनपीए के बारे में यानी कि गैर निष्पादित संपत्ति है जिसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में हम जानेंगे। ये हमारे जो है कुछ सोशल लिंक्स है, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। सबसे पहले वित्त की अगर बात करें तो वित्त का मतलब होता क्या है, वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, ठीक है। तो फाइनेंस आपने सुना ही होगा, वित्त वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारी चीजें आपने सुना होगा। तो जो मुद्रा है होती है, मुद्रा यानी कि मनी, तो मनी का जो उपयोग होता है यानी कि मनी का यूज करने का जो राइट यानी कि अधिकार मिल जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वित्त बोलेंगे। मतलब मनी के यानी कि मुद्रा के उपयोग का जो अधिकार होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वित्त बोलेंगे, ठीक है। और यह अधिकार जो होता है दो प्रकार का होता है, कौन सा, देखिए जो मुद्रा होती है वो एक तो अधिकार लेने वाला होता है और एक अधिकार देने वाला होता है, ठीक है। तो लोन, जो लोन लेता है यानी कि फाइनेंस करवाने वाला, उपयोग का अधिकार लेता है किससे, जिससे उपयोग करना है, ठीक है। और लोन देने वाला क्या करता है, उपयोग, जो फाइनेंस होता है उपयोग करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो एक लोन लेने वाला हो गया, एक लोन देने वाला हो गया, तो दोनों जो है एक अधिकार लेता है और एक अधिकार देता है। तो मुद्रा को उपयोग करने के दो अधिकार यानी कि दो तरीके के हो सकते हैं अधिकार, ठीक है। और जो अधिकार होता है वही क्या कहलाता है, हमारा वित्त कहलाता है। इसे हम जो है वित्त विनिमय बोलते हैं, यानी कि उपयोग करने का अधिकार लेना और उपयोग करने का अधिकार देना मुद्रा को, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मतलब जो अधिकार होता है वो ऋण लेना और ऋण देना, ऋण लेना और ऋण देना जो है एक प्रकार से क्या कहलाता है, वित्त विनिमय, ठीक है। फाइनेंस एक्सचेंज या फिर हम फाइनेंशियल एक्सचेंज हम उसे बोल सकते हैं। अब बात करते हैं वित्त बाजार की। तो वित्त बाजार क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिस स्थान पर यह काम होता है यानी कि मुद्रा को लेना और मुद्रा को देने का जो अधिकार मिलता है वह प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब प्राप्त होता है और दिया जाता है वो क्या कहलाता है, वित्तीय बाजार कहलाता है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। इसके अलावा वित्त का जब कहीं उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए हमने वित्त को ला यानी कि उपयोग करने का अधिकार उसे प्राप्त हुआ और हमने कोई संपत्ति को खरीद लिए, तो जब संपत्ति को हमने खरीदे हैं तो उस समय उसे हम क्या बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे, क्योंकि पूंजी का मतलब ही होता है किसी चीज को चलाने के लिए आवश्यक संपत्ति को स्थापित करना, उसके लिए जो पैसा लगता है या जो वित्त लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे, ठीक है, यानी कि कैपिटल बोल सकते हैं। वित्तीय बाजार वह संस्थागत व्यवस्था है जहां पर ऋण लेन देन औपचारिक रूप से होता है, ठीक है। ये फिर बोला जा रहा है कि वित्तीय बाजार वह संस्थागत व्यवस्था है जहां पर जो ऋण होता है यानी कि जो लोन होता है उसका लेन देन कैसा होता है, वैधानिक तौर पर यानी कि औपचारिक तौर पर होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वित्त बाजार बोल सकते हैं, ठीक है। अब वित्त बाजार के जो प्रकार है, दो प्रकार के हम बोल सकते हैं जो कि बैलेट तौर पर होते हैं। देखिए एक तो मुद्रा बाजार होता है, ठीक है, यानी कि मनी मार्केट होता है, और एक पूंजी बाजार होता है जिसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों जो होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब ये जो बैलेट माने जाते हैं एक तरीके से। तो मुद्रा बाजार की अगर बात करें तो जहां अल्पकालिक ऋण दिया जाता है उसे हम मुद्रा बाजार की कैटेगरी में रख सकते हैं, और जो ऋण होता है 1 साल से कम समय के लिए, 1 साल से कम समय के लिए, मतलब जो 1 ईयर का, 1 ईयर से कम समय का जो टाइम होता है उसमें प्रतिभूति को गिरवी रखा जाता है। अब प्रतिभूति होती क्या है, प्रतिभूति प्रतिभूति जो होती है जिसको बेचकर जो है पैसा को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिभूति
और ये दो प्रकार की होती है वो हम आगे देखेंगे, एक तो सरकारी और एक प्राइवेट प्रतिभूति होती है जिसे हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। और जो इकाई होती है मुद्रा बाजार की जो इकाई होती है वो बैंक हो सकती है, और इसका संचालक कौन होता है? आरबीआई। मतलब सारे बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है। और बैंकिंग व्यवस्था में हमने ये सारी चीजें विस्तार से पीछे देख चुके हैं। दूसरा जो होता है पूंजी बाजार, और पूंजी बाजार ऐसा बाजार होता है जिसमें दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब दीर्घकालिक ऋण की अगर बात आ जाती है तो उसे पूंजी बाजार की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें जो होता है 1 साल से ज्यादा के लिए प्रतिभूति गिरवी रखी जाती है, ठीक है, प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है। और इसकी जो इकाई होती है कौन प्रदान करता है पूंजी बाजार से रिलेटेड सेवाएं? शेयर बाजार, ठीक है। और शेयर बाजार को नियंत्रण जो करता है वो कहलाता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब आगे देखते हैं, देखिए वित्तीय बाजार के अंतर्गत हमने देखे हैं जो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार जो होते हैं कैसे रहते हैं, औपचारिक रूप से रहते हैं, ठीक है, औपचारिक संगठन या संगठित रूप से रहते हैं, यानी कि इनको जो इनका जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्टर्ड होते हैं एक तरीके से, ये क्या होते हैं बैलेट और रजिस्टर्ड होते हैं। परंतु दूसरे प्रकार के जो होते हैं जैसे देखिए औपचारिक में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार आ गया, और अनौपचारिक में अगर हम देखें तो अनौपचारिक में आपने देखा होगा पुराने समय में यही चीज चलती आ रही है। देखिए साहूकार हो गया, सेठ हो गया, महाजन हो गया, ये कैसे होते हैं? ये भी लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, परंतु ये कैसे रहते? रजिस्टर्ड नहीं रहते। ये कैसे रहते? अनौपचारिक संगठन इन्हें बोला जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की, यानी कि लोक वित्त, ठीक है, लोक वित्त यानी कि जनता का पैसा, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस जिसे हम सार्वजनिक वित्त भी बोल सकते हैं और जनता का पैसा भी हम बोल सकते हैं, लोक वित्त भी हम बोल सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का जो अध्ययन है उसे हम क्या बोलते हैं? लोक वित्त कहते हैं, यानी कि पब्लिक फाइनेंस उसे बोल सकते हैं। जैसे अर्थशास्त्र की वह शाखा जो सरकार के आय यानी कि रेवेन्यू जिसे हम राजस्व बोल सकते हैं, ठीक है, राजस्व तथा व्यय का आकलन करती है, अर्थात सार्वजनिक वित्त सरकार के आय व्यय का विस्तृत अध्ययन है। इसके द्वारा राज्य द्वारा अर्जित आय तथा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। मतलब सरकार के द्वारा जो अर्जित की जाती आय और जो व्यय किया जाता है उसका दोनों का लेखा जोखा क्या कहलाता है? पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त के अंतर्गत उसे रखा जा सकता है। सरकार के आय व्यय को सीमांत समन्वय के द्वारा नियमित किया जाता है ताकि अधिकतम जनहित प्राप्त हो सके। मतलब ज्यादा जो जनकल्याण की कार्यक्रम है, जितने भी जनकल्याण के कार्यक्रम है वो अधिक से अधिक किया जा सके, इस प्रकार लोक वित्त को मैनेज किया जाता है। जो डाल्टन थे अर्थशास्त्री, उनके अनुसार अगर हम देखें तो सार्वजनिक वित्त ऐसा विषय है जो सार्वजनिक अधिकारियों के आपसी सहयोग से किए गए आय व व्यय का अध्ययन होता है। मतलब जो सार्वजनिक वित्त होता है ऐसा विषय होता है जो सार्वजनिक अधिकारियों के आपसी सहयोग से किए गए आय व व्यय का अध्ययन करता है, ये कहा गया है डाल्टन के द्वारा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के वित्त संबंधी विषय का अध्ययन है। तो तीनों सरकार आ गई, देखिए केंद्र की सरकार भी आ गई, राज्य की भी आ गई, और स्थानीय लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की और तहसील लेवल की भी आ गई। तो सभी के द्वारा जो वित्त संबंधी जो अध्ययन किया जाता है उन विषयों का, उन्हें हम क्या बोलेंगे? लोक वित्त बोल सकते हैं। अब जो लोक वित्त होता है उसके अध्ययन के क्रम हम देख सकते हैं, 5 प्रकार से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है सार्वजनिक व्यय होता है। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत क्या होता है? देखिए सबसे पहले सार्वजनिक व्यय के पहले हम देखेंगे सार्वजनिक आय। तो सार्वजनिक आय क्या होती है? जहां जहां से सरकार को आय प्राप्त हो रही है, जैसे एक तो होता है राजस्व प्राप्तियां और एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। तो दोनों ही जगह से कैसे कैसे प्राप्तियां हो रही है उनको, उनका अध्ययन यहाँ पर सार्वजनिक आय के अंतर्गत किया जाता है। फिर सार्वजनिक व्यय में क्या किया जाता है? कहाँ कहाँ पर आप व्यय कर रहे हैं, यानी कि राजस्व के अंतर्गत भी व्यय किया जा सकता है और पूंजी के अंतर्गत भी व्यय किया जा सकता है। तो किस प्रकार से व्यय किया जा रहा है, उनका परिणाम क्या होगा, सारी चीजों का अध्ययन कहाँ होगा? सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत होगा। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत इसमें ऋण आ जाते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे कि आप ऋण कहाँ से ले रहे हो, मतलब एक तरीके से बाहर की देश जो वर्ल्ड यानी कि विदेश के जो देश होते हैं, जैसे एक तरीके से हम बोल सकते हैं IMF बोल सकते हैं या वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं, ये संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है उनसे हम ऋण ले रहे हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाना है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। वित्तीय प्रशासन यानी कि फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो यहाँ पे मैनेज किया जाता है, कैसे आप मैनेज करते हो जो वित्त के जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको। फिर देखेंगे हम फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? राज्य के अंतर्गत जो भी वित्त होता है उसको मैनेज किए कैसे किया जाए, यानी कि जो राज्य का कोष है यानी कि सरकार का जो कोष है जिसके अंतर्गत फंड्स आते हैं,
निधि जिसे हम बोलते हैं, तो उन फंड्स को कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए ताकि जो है जनता के तक आसानी से जो सेवाएं है या फिर उसको मैनेज कैसे करा जाए ताकि वो अच्छे से मैनेज हो सके। तो ये जो नीति होती है वित्तीय नीति या तो राजकोषीय नीति हम बोल सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इसे हम बोल सकते हैं। देखिए इनके बारे में यहाँ थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखी है, वो भी हम देख लेते हैं। अभी हमने देखे इसके अंतर्गत, देखिए सार्वजनिक आय में क्या होता है, यानी लोक आय जिसे हम बोलते हैं, सरकार अपनी आय किन किन स्रोतों से प्राप्त कर रही है यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। व्यय में आप देख सकते हैं किन किन मदों पर आवश्यक है व्यय करना और उनका परिणाम क्या होगा। इसके अलावा ऋण के अंतर्गत जो है किस ऋण क्यों लिया जा रहा है, सरकारी ऋण क्यों लिया जा रहा है और किस उद्देश्य हेतु लिया जा रहा है, इसका अध्ययन यहाँ किया जाता है। और वित्तीय प्रशासन में क्या होता है, इस विभाग के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकार वित्तीय क्रियाओं का प्रबंध किस प्रकार करती है, उनको मैनेज कैसे करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया चार। अब पांचवा जो होता है राजकोषीय नीति, जिसे हम ट्रेजरी पॉलिसी या फिर हम बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रेजरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी उसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बारे में हम देखते हैं, सरकार की जो प्राप्ति होती है यानी कि जो आय होती है और व्यय होते हैं, सरकार की जो प्राप्ति और एवं व्यय को इस प्रकार बनाए रखना कि सरकार की जो निधियां यानी कि फंड्स है वो पर्याप्त बने रहे, मतलब एक बैलेंस बनाकर रखना, सरकार की जो आय और व्यय में एक बैलेंस बनाकर रखना एक प्रकार से क्या कहलाता है, राजकोषीय नीति कहलाती है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए सरकारी राजकोष के प्रबंधन की नीति से हम बोल सकते हैं, सरकारी राजकोष जो होता है उसके अंतर्गत सरकारी निधियां आती हैं पूरी कंप्लीट, वो हम आगे देखने वाले हैं। मैनेज किया जाता है किसको, प्राप्तिया और व्यय को मैनेज किया जाता है। और सरकार का जो पैसा होता है किन किन स्रोतों से आता है, एक तो आय से, एक ऋण से और एक अनुदान से। देखिए आय जो होती है विभिन्न प्रकार से होती है, जैसे कि टैक्स वसूला जाता है, ठीक है, और नॉन टैक्स जो मटेरियल होता है उनके द्वारा यहाँ पे आय प्राप्त होती है। ऋण के द्वारा आप देख सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी बात किए थे, एक तो IMF हो सकता है और एक वर्ल्ड बैंक हो सकता है, इनसे इनको आय प्राप्त होती है। अब अनुदान, देखिए आय जो होती है यहाँ टैक्स वाली जो होती है उनको भी लौटाना मतलब लौटाया नहीं जाता है, ऋण ऋण को लौटाना जरूरी है। और अनुदान जो होता है, अनुदान भी एक प्रकार से इसको भी नहीं लौटाया जा सकता, किसी के द्वारा दिया जाता है ये अनुदान जो होता है वो भी नहीं लौटाया जा सकता है। तो तीनों ही प्रकार से जो होती है सरकार की आय मतलब प्राप्ति जो होती है पैसा की, इन्हीं तीनों स्रोतों से होती है। सरकार के व्यय और प्राप्तियों के जो प्रबंधन की नीति है वो हम उसे क्या बोलेंगे, राजकोषीय नीति, वो हम पहले भी देख चुके हैं इसमें। इसके अलावा वह जगह जहां पर प्राप्ति एवं व्यय किया जाता है उस मतलब जहां पर प्राप्ति एवं व्यय किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, निधिया यानी कि फंड्स बोलेंगे। ठीक है, और फंड्स जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी, संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि। इन तीनों को जो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से अलग अलग प्रकार से यहाँ डिस्कस करेंगे, संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि को। तो सबसे पहले जो निधि होती है संचित निधि, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, तो यह एक प्रकार की मुख्य निधि होती है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फंड होता है जो कि प्रमुख प्राप्तियां एवं व्यय होते हैं। यह मुख्यतः यहीं से ये जो होते हैं यहीं से किए जाते हैं, प्राप्तियां एवं व्यय को यहां से पैसा निकालने और डालने के लिए संसदीय अनुमति की जरूरत होती है। मतलब अगर आप वहां से पैसा निकाल रहे हैं तो भी अनुमति की जरूरत है, और पैसा आप वहां स्टोर कर रहे हैं तो भी आपको संसद की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए बिल की जरूरत पड़ती है, तो बिल दो प्रकार के होते हैं, बिल यानी कि बिल हमने जो है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत विस्तार से पढ़े हैं, तो आप उसका जो लेक्चर है वो जाकर देख सकते हैं अगर आपको बिल के बारे में कंप्लीट जानना है, मतलब कानून कैसे बनता है वो सारी चीज हम वहां देख चुके हैं। हालांकि थोड़ी मतलब जो है लगभग आधी पॉलिटी खत्म हुई है, तो उसके बाद जो है जब हम इकोनॉमी कंप्लीट कर लेंगे तो वहां से हम कंटिन्यू करेंगे इंडियन पॉलिटी को, तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। देखिए बिल दो प्रकार के होते हैं, एक तो विनियोग विधेयक होता है मतलब पैसा निकालने से जुड़ा है ये विधेयक, और वित्त विधेयक जो होता है ये पैसा डालने से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो संचित निधि है वहां से पैसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विनियोग विधेयक लाएंगे, और अगर पैसा वहां पे स्टोर करना है डालना है तो वित्त विधेयक लाएंगे। और संविधान में जो संचित निधि है उसका उल्लेख आर्टिकल नंबर किसमें किया गया है, 2661 मतलब 266 का एक, इसमें संचित निधि का उल्लेख किया गया है संविधान में, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें। दूसरी जो निधि है उसकी बात करें हम, तो लोकलेखा निधि जिसे हम पब्लिक अकाउंट फंड बोलते हैं, और इसका वर्णन किया गया है 266 आर्टिकल नंबर 266 का दो, मतलब वहां 266 के एक में संचित निधि थी और 266 के दो में पब्लिक अकाउंट फंड यानी कि लोकलेखा निधि है। इसमें जनता की जमा है यानी कि जो डिपॉजिट होती है वो रखी जाती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग होती है वो सारी चीज इसी में रहती है।
इस पर जो है सरकार ब्याज देती है और इसे सरकार के हाथ में ब्लैंक चेक कहा जाता है, क्योंकि इसमें संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। जहां पर संसद की अनुमति की जरूरत होती है वहां हम ऐसा नहीं बोल सकते, परंतु इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लैंक चेक बोल सकते हैं सरकार के हाथ में। आकस्मिक निधि क्या होती है, जिसे हम कंटेजेंसी फंड बोलते हैं। तो आकस्मिक मतलब अचानक जो होता है, जैसे विशेष स्थितियों व आपात की स्थितियों का सामना करने के लिए। इससे जो आकस्मिक निधि उसका यहाँ पे है उल्लेख, और केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो राज्य है राज्यपाल जो होता है उसका नियंत्रण होता है, मतलब केंद्र में राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और राज्य में राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपालों का ब्लैंक चेक कहा जाता है किसे, आकस्मिक निधि को। और सरकार का ब्लैंक चेक किसे कहा जाता है, लोक लेखा निधि को। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं होती, लेकिन इसे पुनः भरने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 500 करोड़ है, 500 करोड़ में से हमने 100 करोड़ निकाल लिए हैं, तो बचे कितने, 400 करोड़। अब 400 करोड़ में 100 करोड़ ऐड करना है, तो टोटल 500 करोड़ है। तो निकालने के लिए तो यहाँ अनुमति की जरूरत नहीं है, परंतु जो 100 करोड़ आप डालोगे उसमें, उसमें अनुमति की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वार्षिक आधार पर जब इस तरह की नीति बनाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बजट। और हमने बजट के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो बजट का जो लेक्चर है आप पीछे जाकर देख सकते हैं, लगभग 14-15 नंबर का जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, वहां पर बजट के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आता है राजकोषीय नीति को लागू करने का जो मुख्य उपकरण यानी कि हथियार, टूल्स जिसे हम बोलते हैं, वो बजट कहलाता है। तो बजट आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ एनपीए के बारे में। तो एनपीए जो होता है एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि गैर निष्पादित संपत्तियां। अब होती क्या है, देखिए बैंक होता है, बैंक जो है विभिन्न लोगों को लोन देता है, तो लोन देने के पश्चात क्या होता है, कुछ लोगों से लोन प्राप्त हो जाता है, कुछ से नहीं प्राप्त होता है। तो जिन लोगों से लोन प्राप्त नहीं होता एक निश्चित तिथि के बाद, तो उनको हम डाल देते हैं किसके अंतर्गत, एनपीए के अंतर्गत। तो हम इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो बैंक द्वारा दिए गए ऋण की वह राशि जिस पर बैंक कोई लेन देन नहीं कर सकता, अर्थात जब बैंक किसी व्यक्ति या संस्था को ऋण देती है तो उस राशि पर ना तो ब्याज प्राप्त होता है और ना ही बकाया राशि प्राप्त होती है। तो दोनों चीज याद रखना, देखिए जब बकाया राशि प्राप्त नहीं हो रही, सिंपल सी बात, ब्याज कैसे प्राप्त होगा। तो दोनों ही चीज की यहाँ पर राशि प्राप्त नहीं हो रही, तो बैंक ऐसे ऋणों को कहाँ डाल देता है, एनपीए के अंतर्गत यानी कि गैर निष्पादित संपत्तियों के अंतर्गत वो इनको लिस्टेड कर देता है। ठीक है, और एक निश्चित समय में इनको घोषित किया जाता है, ऐसा नहीं कि तुरंत घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से यहाँ घोषित किया गया है। देखिए जब एक वर्ष में किसी भी ऋण पर 90 दिन या 3 माह से अधिक होने पर ना ऋण की राशि मिली है और ना ही ब्याज की राशि मिली है, तो ऐसे जो ऋण है उसको हम क्या डाल देंगे, एनपीए के अंतर्गत यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंतर्गत हम उसे डाल देंगे। सन 1993 में क्या हुआ था, यह समय अवधि 12 महीने थी, 12 महीने यानी कि 365 दिन। ठीक है, सन 1995 में यह 6 माह कर दी गई, मतलब आधा समय घटा दिया गया, और 2014 में बढ़ते एनपीए की चिंता को देखते हुए समय अवधि को 3 माह कर दिया गया, मतलब अभी वर्तमान में कितना है, 3 माह चल रहा है। 3 माह तक अगर यहाँ पे कोई चीज, बैंक का जो ऋण है वो वापस नहीं आता है, तो बैंक उसे किसकी कैटेगरी में डाल देगा, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की श्रेणी में उसे डाल देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीए के लिए पूरक व्यवस्था के रूप में ग्रेडेड प्रोविजनिंग प्रणाली, प्रोविजनिंग प्रणाली ये जो सिस्टम है इसकी शुरुआत की थी, जिसे हम समायोजन भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत एनपीए को 3 भागों में बांटा गया है, परंतु उसके पहले हम देख लेते हैं प्रोविजनिंग होता क्या है, यानी कि समायोजन, समायोजन या एडजस्टमेंट होता क्या है। तो प्रोविजनिंग या समायोजन एक व्यापक शब्द है, इसके कई नियम और आधार होते हैं, परंतु सामान्य रूप से हम बैंक जो होता है अपनी संपत्ति या आय में से एक राशि निर्धारित कर एक कोष बना लेता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज जो होता है, जैसे आप देखिए आप अगर कोई चीज कमाई कर रहे हैं तो आप बैकअप में कुछ बचा कर रखते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सेविंग है। ठीक है, उसी प्रकार बैंक भी जो होता है लोन देने के पश्चात अगर लोन देने वाला वापस ना आए या नहीं दे, तो उसके लिए उसके पास में कोष बना रहता है जिससे वो उसकी भरपाई कर सकता है। तो वहीं पे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ राशि निर्धारित करके वो कोष बना लेता है, जिससे यदि निकट भविष्य में दिए गए ऋण डूब जाते हैं यानी कि डूबत ऋण में चले जाते हैं या घाटा हो जाता है, तो उसकी पूर्ति कहाँ से की जाएगी, उस कोष से की जाएगी, मतलब अचानक से स्थिति कैसी डगमगाएगी नहीं, तो इसी के लिए बैंक जो है उस कोष को बना लेती है, और इसी राशि को या उसकी पूर्ति कर जो राशि पूर्ति जो है इसी राशि से की जाती है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से समायोजन या प्रोविजनिंग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीए को 3 प्रकार से यहाँ वर्गीकृत किया गया है, तो कौन कौन से है वो,
तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, इसको हम इसी प्रकार से हिंदी में बोल सकते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और दूसरा होता है डाउटफुल, यानी कि संदेहास्पद संपत्तियां होती है, फिर लॉसफुल यानी कि हानि वाली जो संपत्तियां होती है। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जब कोई ऋण 12 माह या इससे कम के समय के लिए एनपीए रहता है, तो उसमें से मतलब जो हमारी राशि होती है, कौन सी प्रोविजनिंग राशि, मतलब जो बैंक का कोष होता है, उसमें से हम 25% कहाँ से ले लेंगे, कोष से, ठीक है। इसके अलावा डाउटफुल एसेट्स के अंतर्गत अगर 12 माह से अधिक, यहाँ कम की बात की जा रही है, 12 माह से अधिक की अगर बात होती है, तो 12 माह से अधिक में 25%, थोड़े और अधिक हो 40%, और इस प्रकार 100% पहुंच जाती है। मतलब हम अगर बात करें 3 साल के पहले तक की, 3 साल के पहले तक यहाँ 100% बात होती है। परंतु लॉसफुल एसेट्स में क्या होता है, जब बैंक मान लेता है कि वो कुछ भी ना मिलेगा, मतलब जो एनपी है उसमें से 1 रुपए नहीं मिलेगा, तो उसको किस श्रेणी में डाल देता है, वो डूबत ऋण की श्रेणी में डाल देता है। यानी कि जो डेप्थ है, एक प्रकार से पूरा जो राशि हमारी वो है डूब गई है, डूब गई यानी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे जो ऋण होते हैं उनको बकाया राशि जो होती है 100% कहां से ली जाती है, प्रोविजनिंग को करनी पड़ती है, यानी कि समायोजन पूरा करना पड़ता है। तो ये तो हो गया बात एनपीए की कंप्लीट, हमने 3 प्रकार के देख ली हैं, और पहले हमने लोक वित्त के बारे में देखे और फिर वित्त के बारे में देखे, वित्त बाजार भी हमने सारी चीजें देख ली हैं। और उसके बाद हम उपाय की अगर बात करें, तो जब डूबत ऋण यानी कि डेप्ट होता है उसकी रिकवरी है, तो रिकवरी के लिए यहाँ पे भारत में कुछ कानून बनाए गए हैं या कुछ ट्रिब्यूनल बनाए गए, वो हम देख लेते हैं। तो 1993 में क्या हुआ, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया, कहाँ पे, मुंबई में। ये जो है जो डूबत ऋण है उसकी वसूली करता है, यानी कि जो एनपीए होता है उसकी वसूली करता है। और 2002 में प्रतिभूतिकरण कानून भी बना, इसके अलावा तारापुर कमेटी भी बनी जो एनपीए को वसूलने के लिए सेटलमेंट सिस्टम लाया गया, इसके अंतर्गत सिफारिश की गई ब्याज दर को कम किया जाए और एकमुश्त जो राशि देता है उसको छूट भी दी जाए। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो एनपीए जो होता है हमारे भारत का वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पार्ट बन सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अगर आपके पास में किसी प्रकार के सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।